नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे होंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे और खूब दबा कर सो रहे होंगे। भाई साहब, हमें ये कहना है। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ी सफल फिल्म रही है अभी की, वर्तमान की, और उस फिल्म का नाम है KGF। KGF चैप्टर 1 भी आया, KGF चैप्टर 2 भी आया, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आया और इतनी बड़ी, इतनी थी सफल ये मूवी है। तो आखिर इस फिल्म से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आखिर इस फिल्म से अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई सूचना है जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है तो कौन सी सूचना है? तो वो भाई साहब एक ही सूचना है और वो है ये KGF चैप्टर 1 बना, KGF चैप्टर 2 बना, वो सबके सब एक ही रीजन था इतना बड़ा, इतना सुपर हिट होने का, और वो था कि हीरो उसमें जो है रॉकी भाई, उसने अपने माँ से वादा किया था और माँ से किए गए वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, सारी यानी अपने आप को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। न डरा न भागा, अनेकों समस्याएं आई लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को कंप्लीट किया, सिर्फ इसलिए क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मां से वादा किया था। अब जरा आप सोचे, क्या आप भी अपने माँ से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपने बहन से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए अपने आप को इतना समर्पित करने को तैयार हैं? अगर हैं तो आपने जो अपने माँ बाप से वादा किया है वो जरूर पूरा होगा। अगर आपने अपने माँ बाप को खुले आंखों से एक ऑफिसर बनने का सपना दिखाया है तो वो भी जरूर पूरा होगा। अगर आपने अपने माँ बाप से वादा किया है कि मम्मी मैं सरकारी जॉब लूंगा, मम्मी मैं सरकारी जॉब लूंगी, मम्मी मैं एक अधिकारी अवश्य बनूंगी, तो अगर आपने ऐसा कुछ वादा किया है तो आपके अंदर भी वो क्षमता है, आप भी अपने माँ बाप से किए हुए वादों को पूरा कर सकते हैं। बस जरूरी है तो धैर्यता की, बस जरूरी है तो एकाग्रता की। दिमाग बार बार विचलित होता है, इसका मतलब ये है कि हम अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। ध्यान एकदम से केंद्रित रहता है, हमेशा ध्यान अपने लक्ष्य को फोकस करता है, इसका मतलब यह है कि लक्ष्य के हम बहुत करीब हैं। बस कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में हम अपने लक्ष्य के पास पहुंचने वाले हैं या लक्ष्य खुद मेरे पास आने वाली है, बिल्कुल आएगी। आप कुछ लायक तो बने, आप में वो काबिलियत है, आप में वो सब कुछ है, बस जरूरी है आपको अपने आप को, खुद को पहचानने की कि मेरे अंदर भी एबिलिटी है, मेरे अंदर भी काबिलियत है, मैं भी ये काम कर सकता हूं। लेकिन क्या हम अपने आप को भूल गए हैं? आखिर हम क्या हैं? मेरा उद्देश्य क्या है? इन सभी चीजों को हम लोग भूल गए हैं
और इसको भूलने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है बार बार मन विचलित होना, लक्ष्य एक न होना, तत्काल सुख सुविधा के चक्कर में रहना। आज से तैयारी शुरू किए, कल मेरा सिलेक्शन हो जाए। भाई साहब ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, ऐसा कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर आपने तैयारियां आज से शुरू की है तो कुछ दिन का समय लग जाएगा। कुछ दिन मतलब 2 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल। और हाँ, ये भी बात 100% सत्य है कि अगर आप मन से अपने आप को समर्पित करके लक्ष्य के प्रति सोचेंगे, अपने आप को न्यौछावर करेंगे तो सफलता मिलनी ही है, कोई नहीं रोक सकता है। भाई साहब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस